अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हाँ जी, हम भी अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, मटन और कद्दू, जो दिखने में भी देखे बड़े मज़े के ला कर हैं और खाने में भी बड़े मज़े के होते हैं। कद्दू और चिकन तो बड़े लोगों ने खाया होगा, लेकिन कद्दू और मटन का तो अपना ही कोई जवाब नहीं है ना, बड़ा मज़े का बनता है। हाँ जी, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे देसी स्टाइल में, मिट्टी की हांडी में। अगर जिस जिसको कद्दू मटन पसंद है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ जो बेल आइकन का बटन है ना उसको भी प्रेस कर दें। चलिए, ये तीन पाव गोश्त लिया हमने, बिस्मिल्लाह हांडी में डाल देंगे। इसमें ये एक बड़े साइज का प्याज काट लिया, दो गिनियाँ लहसुन किया छिलका काट लिया, ये एक बड़े साइज का टमाटर, सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 5-6 काटी हैं। तो ये है हल्दी है, नमक है, साबत जीरा है, मोटी इलायची है, दालचीनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुरख मिर्च है, ये कुटी हुई है दौरी में, ये डालेंगे। अब हम इसमें एक प्याला पानी डालेंगे, तो इसे गलने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके गलने का इंतज़ार करते हैं। अब हम चेक करते हैं गोश्त गल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, माशाल्लाह गल गया गोश्त, लहसुन प्याज हर चीज़ मिक्स हो गई है। अब हम इसमें आयल डालते हैं ताकि भून लें इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये इतना ही काफ़ी है। अब इसे हल्की आंच पे भूनेंगे। अब गोश्त अच्छी तरह गल गया, इसकी बनाई हुई अभी थोड़ी देर रहती है, फिर इसके अंदर कद्दू डालूंगी, वो मैंने साथ ही तैयार कर लिया। माशाल्लाह गोश्त की बनाई हो गई है, आयल अलहदा हो रहा है इसे। अब इसमें कद्दू डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू भी माशाल्लाह बहुत नरम है, बहुत जल्द गलेगा, ताज़ा ताज़ा ही था। तीन पाव मटन था, 1 किलो कद्दू लिया। कद्दू तो हेस के थोड़ा सा हो जाता है। अब हम इसे थोड़ी देर दम पे छोड़ेंगे, तो कद्दू का जो अपना पानी है ना वो छोड़ लेगा, उस पानी में इसने गल भी जाना है तो साथ साथ बनाई भी हो जाएगी। माशाल्लाह कद्दू गोश्त हमारा तैयार हो गया, कद्दू अपने ही पानी में गल गया, इजाफी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखा, बड़ा नरम था, ताज़ा ताज़ा था कद्दू। अब हम इसमें धनिया भी डाल लेंगे। क-
कद्दू गोश्त माशाल्लाह हो गया तैयार। उसका अगला लहदा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख माशाल्लाह जी माशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। चलो जी हमारा सालन हो गया तैयार। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल कोई नई डिश लेके। तब तक अल्लाह हाफिज़।